अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने सुना था कि बड़ा संस्कारों वाला परिवार है राय बहादुर जी का परिवार। मान मर्यादा सम्मान की मिसाल है ये, लेकिन यहाँ यहाँ ना संस्कार है ना मान मर्यादा। क्या बात कर रहे हैं आप, और जो बोल रहे हैं जहाँ खड़े होकर जिसके सामने बोल रहे हैं उस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा है मुझे राय बहादुर जी, लेकिन ये जो सवाल आप मुझसे करें ना, ये इनसे पूछे कि अंशुमन जी के कमरे में रात को 11 बजे सुमन जी क्या कर रही थी। अब सुमन को अपना रास्ता चुनना ही होगा। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां मेरे कमरे तक आने की? सॉरी अंशुमन जी, हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे आप जैसे गुस्सा हो रहे हैं, मुझे लगा मैं तो गलत टाइम पे पहुंच गया यहाँ पे। मैं तो अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढ रहा था, गेस्ट हाउस से निकला कोई दिखा नहीं। वो क्या अंशुमन जी, मेरे बच्चे खपे परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा सुमन जी से बात करवा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो आपके कमरे में। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, और इस सोच के साथ तुम सुमन का हाथ थामना चाहते हो? रिश्तों की थोड़ी सी भी समझ होती ना तुम्हें तो ऐसा घटिया ख्याल भी नहीं आता तुम्हें। माफ कीजिए अंशुमन जी, रिश्तों की मर्यादा तो आपको भी समझनी चाहिए। ये आपके छोटे भाई की विधवा और मेरी होने वाली पत्नी है। बस बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो यहां से। निकल रहे, लेकिन याद रखना हम गलत नहीं बोल रहे, और ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। क्या पता चलना चाहिए सबको? हाँ, क्या बताना चाहते हो? ठीक है, चलो बताओ क्या बताना है सबको। अंशुमन जी बताओ, सबको बताओ क्या बताना। अंशुमन जी बताओ क्या बताना है सबको, बताओ। अरे कहाँ हो गया? हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सब? मैंने सुना था कि बड़ा संस्कारों वाला परिवार है राय बहादुर जी का परिवार। मान मर्यादा सम्मान की मिसाल है ये, लेकिन यहां यहां ना संस्कार है ना मान मर्यादा। ए, थोड़ा शांति में रहिए शिरीष बाबू। क्या बात कर रहे हैं आप, और जो बोल रहे हैं जहां खड़े होकर जिसके सामने बोल रहे हैं उस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा है मुझे राय बहादुर जी, लेकिन ये जो सवाल आप मुझसे करें ना, ये इनसे पूछे। राय बहादुर जी, ना तो मैं भगवान हूं ना आपकी तरह महान इंसान, मैंने कुछ देखा इसलिए मन में सवाल आया, इनसे पूछे वो सवाल। वो एक सवाल कि अंशुमन जी के कमरे में रात को 11 बजे सुमन जी क्या कर रही थी। दादाजी, इस आदमी का दिमाग ही गंदा है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। इस आदमी को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि मेरा हाथ कट गया था और सुमन ने देखा तो वो बस। अरे किसी को बता सकती थी ना, तान्या, आरती, छोटकी, किसी को बुला लेती, खुद दौड़ी दौड़ी क्यों पहुंच गई उसके पास, जबकि इसको पता है कि इसका होने वाला पति यही है और तुम्हारी होने वाली पत्नी भी यही है। तुम्हारा ना तान्या से सगाई भी इसके कारण ही रुका है। ये क्यों भूल जाते हो, या एहसास ही नहीं है अंशुमन बहुआ? अरे माँ, अंशुमन जी के हाथ में चोट लग गई थी,
इतनी रात को किसी को परेशानी ना हो, हम बस इसलिए उनके कमरे में गए थे। इसलिए का इसलिए? अभी देखो सब आराम कर रहे हैं, यहाँ खड़े खड़े है ना। हमारा ना सुख चैन सब तुम लूट ले गई हो, और कभी का करना है तुमको, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है। अरे जिससे रिश्ता जोड़ा था वो तो कब का छोड़ के चला गया, अब जाने किससे रिश्ता जुड़ना बाकी रह गया इस घर में। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।